हेलो गाइस, मैं हूं अर्णव और आपका स्वागत है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 11 में। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको अरेज के बारे में सिखाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे पिछले 10 लेक्चर्स देख लिए हैं तो मैंने आपको बताया था कि मतलब जहां तक हमने सीखा है, जैसे हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हमने इतना कुछ सीख लिया है अब तक। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब ना ये बिगिनर है ना इंटरमीडिएट है, अब बिगिनर और इंटरमीडिएट के बीच में आ चुके हैं। अब तो अगर आप एरे सीखेंगे तो अपने आपको इंटरमीडिएट तो बोल सकते हैं, उसके बाद थोड़े वो टॉपिक बचेंगे। वैसे जावास्क्रिप्ट अपने आप में मतलब काफी वाइड लैंग्वेज है, इसके अंदर मतलब जितनी प्रोग्रामिंग सीखो उतना कम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एरेज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं एरेज की मतलब सारा एरेज सिखाने बैठ गया तो उसके लिए मान लीजिए मेरे काफी सारी क्लासेस लगेंगी। तो इसलिए मतलब मैं आपको एरेज के बेसिक सिखाऊंगा एक बार, मतलब आगे जाके एरेज के टाइम टू टाइम नए नए फंक्शन सीखते रहेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार एरेज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताया तो एरेज होता क्या है। तो एरेज बेसिकली होता है मतलब एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कुछ हम डेटा रख सकते हैं। जैसे कि डेटा कुछ भी होता है, मतलब डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब बूलियन भी हो सकता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, और डेटा जो है नंबर भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एरेज के बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर 9 और 10 का ये कोड है यहाँ पर, जैसे हमने बस फॉर और व्हाइल लूप सीखा था यहाँ पर। तो अब मैं बताता हूँ लेक्चर 11.js। तो चलिए एरेज की स्टार्टिंग करते हैं। एरेज मतलब आप जब आप इसको सीखेंगे ना, आप कहेंगे एरेज कितना ज्यादा इजी टॉपिक है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट मैं इसके लेट के अंदर लिखता हूँ मान लीजिए लिस्ट। मैं ऐसे करता हूँ, लेट मैं करता हूँ नेम्स लिस्ट इज इक्वल टू, एरे के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट का। ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर वैल्यूज कैसे लिखते हैं। हम एरेज का यूज ही तो करता है अगर हमको लिस्ट बनानी हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे अपना नाम लिख देता हूँ अर्णव, और मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर ABC, और मान लीजिए और कोई नाम जैसे DEF, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अभी ये लिस्ट बन चुकी है। तो हम लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, मैं आपको एक बार आपको एक दिखाता हूँ कोड। अगर मान लीजिए हम लिस्ट अगर अरेज के बिना उसको कैसे करते, अगर मान लीजिए मुझे तीन तीन नामों की लिस्ट बनानी होती है, हम किस तरह करते, हम कुछ इस तरह यूज करते हैं। लेट नेम वन इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता पर्सन वन। तो मैं कुछ इस तरह, जैसे मान लीजिए मैं तीन नेम मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, मैं कुछ इस तरह। जैसे बनता है लेट नेम टू और ये बनता है लेट नेम थ्री। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ये। तो इसलिए हम यूज करते हैं एरेज का, जैसे एरेज का मतलब ही लिस्ट होता है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर इसको प्रिंट कैसे करते हैं, मान लीजिए मुझे एरे का मुझे फर्स्ट आइटम मुझे गेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर पहले एरे का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर नेम्स लिस्ट, फिर मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा। उसके अंदर मैं कहूंगा मुझे कौन सी वैल्यू मतलब मुझे कौन से इंडेक्स पर नंबर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0। तो अब देख सकते हैं अगर मैंने 0 भी लिखा, मैंने प्रिंट करना है यहाँ पर अर्णव को, तो इसकी कौन सी टर्म है, इसकी फर्स्ट, यहाँ पर तीन टर्म है इसकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मैंने यहाँ पर 0 भी लिख दिया इसके अंदर। तो इसका कारण ये था यहाँ पर कि हमने इसका इंडेक्स यहाँ पर 0 से क्यों स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडेक्स ये नहीं होता कि ये कौन से नंबर की टर्म है। इंडेक्स का मतलब यहाँ अरेज के अंदर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये 0 से कितनी दूर है। जैसे अभी अर्णव का भी यूज कर रहा हूँ, मतलब 0 से बिल्कुल दूर नहीं, मतलब ये स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल दूर नहीं है यहाँ पर ये। तो अरेज के अंदर होता है कि स्टार्टिंग से कितनी दूर है, अभी स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग से मतलब 0 टर्म्स दूर है, और जो ये दूसरा नेम ABC है वो स्टार्टिंग से 1 टर्म दूर है, और जो थर्ड नेम DEF है वो स्टार्टिंग से 2 टर्म दूर है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक बार आपके प्रिंट कर दिखाता हूँ, ये इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा अर्णव। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है, तब तक मैं तब तक इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया अर्णव। अब मान लीजिए मैं करूँ यहाँ पर, मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है DEF, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेम लिस्ट में यहाँ पर करूंगा 2। तो 2 से कैसे, ये वाला 0th टर्म, ये फर्स्ट टर्म इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको बताने की मतलब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे कौन सा मतलब टर्म मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया जैसे यहाँ पर तो इसने प्रिंट कर दिया DEF। तो देख सकते हैं इसको यूज करना कितना ज्यादा ईजी, हम इसके अंदर कितनी भी टर्म लिख सकते हैं इसके अंदर। हम जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर करना है फ्रूट लिस्ट कर देते हैं यहाँ पर,
लेट फ्रूट्स लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसे कि यहां पर लिखा एप्पल, एप्पल मैंगो बनाना, और मैं लिखते हैं यहां पर गावा। यस, तो मैंने पर यहां पर फोर फ्रूट्स लिखते हैं यहां पर। यस चलिए एक बार इन फोर, अब मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं, मैंने लिखा मान लीजिए यहां पर नेम्स लिस्ट, नेम लिस्ट नहीं अब ये फ्रूट लिस्ट बन चुका है, मैं एक बार को चेंज कर देता हूँ। यस फ्रूट लिस्ट, यस तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी क्या करेगा, उसने प्रिंट किया गावा। यस क्योंकि जैसे ये जीरो नंबर, ये इसका इंडेक्स है जीरो, इसका वन टू और थ्री, तो जब मैं थ्री एंटर करूंगा तो ये प्रिंट करेगा गावा को। अगर मान लीजिए मैं इसको करूं मैं जीरो से, तो यहाँ पर ही क्या करेगा एप्पल। यस तो मैं इसको मान लीजिए कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के जीरो लिखा है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, लेट यहाँ पर करता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिख दूंगा इंडेक्स, फ्रूट लिस्ट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू को जैसे जीरो ही होगा, मतलब इसके अंदर मान लीजिए आपने जीरो लिखा है इसके अंदर, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू उठा देगा यहाँ से ये। तो मान लीजिए अगर मैं लिखूँ इंडेक्स की वैल्यू 10, तब यहाँ पर ये अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा ये। यस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ, आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया, मतलब 10th टर्म कोई थी नहीं यहाँ पर, आपने 10th टर्म को डिफाइन नहीं किया हुआ। यस तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ टू, तो आप बताइए कौन सी टर्म को प्रिंट करेगा। यस तब आप सोच सकते हैं इसको, तो ये है इसका जीरो, ये है इंडेक्स जीरो, ये है इंडेक्स वन, और ये है इंडेक्स टू, तो ये प्रिंट करेगा अभी बनाना को। यस तो इसने प्रिंट कर दिया है। यस तो मान लीजिए मुझे इसे प्रिंट कराना है, मान लीजिए मुझे कराना है मैंगो, तो मैंगो के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा वन। तो आप देख सकते हैं अभी तक एरे कितना इजी, अभी तक कितना इजी चल रहा है यहाँ पर। यस तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आप देख सकते हैं हमने जैसे अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम एरेज को लूप्स के साथ यूज करना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, मेरे सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।